भीम आर्मी भारत एकता मिशन स आजाद समाज पार्टी कांशी राम के बैनर तले अंबेडकर चौक से रणधीर वर्मा चौक तक झारखंड सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार द्वारा वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति, चौकीदार बहाली में आरक्षण, रोस्टर अनुसूचित जातियों के लिए कम सीट को लेकर नियुक्ति रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मांगों का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। भीम आर्मी के अध्यक्ष लोकेश रवि ने कहा कि वर्तमान सरकार अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव कर रही है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन जो है अभी कुछ दिन पहले जेपीएससी का बाली निकला फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसमें हम लोग का शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जो है शून्य कर दिया गया। 170 सीट में मात्र एक सीट दिया गया, जबकि झारखंड में आरक्षण जो है अभी फिलहाल 10% लागू है, फिर भी उसके हिसाब से जो है आरक्षण नहीं दिया गया। उससे पहले चौकीदार बहाली में भी कई जिलों में शेड्यूल कास्ट का जो बहाली होना चाहिए तो 0 कर दिया गया। और झारखंड में लगातार जो है शेड्यूल कास्ट का उत्पीड़न बढ़ रहा है, जिसमें प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन मौन रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। कई जघन्य घटनाओं में भी प्रशासन का कोई रोल नहीं है, उसी के लिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो विरोध प्रदर्शन करने के बाद हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन भी देंगे मुख्यमंत्री के नाम पर। आज भीम आर्मी धनबाद जिला अध्यक्ष लोकेश रवि। ऐसी आरक्षण पर हमला करना बंद करो, ऐसी आरक्षण पर हमला करना बंद करो। जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद हमला करना बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद।